बच्चों लास्ट हम एक्सरसाइज पे पहुंचे थे। मैंने सारे न्यूमेरिकल्स सम्स बाकी रखे थे। मैंने आपको बताया अब फिजिक्स में साइंस में अभी सम्स की एंट्री हुई है। ठीक है, पहले आप सम्स नहीं करते थे साइंस में, अब आप बड़े हुए हो फिजिक्स। मैंने इसीलिए ये चैप्टर लिया, आपको पता लगे कि सम्स भी आते हैं और वो करने पड़ते हैं। ठीक है, जैसे मैथ्स में किए जाते हैं, साइंस में भी अभी सम्स की एंट्री हो गई है। ठीक है, सो जिसको मैथ्स से प्रॉब्लम है, मैथ्स कम अच्छी लगती है, तो साइंस में भी उनको अब थोड़े से सम्स फिजिक्स में। ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीन ब्रांच होती है साइंस की, फिजिक्स में अभी आपको सम्स देखने मिलेंगे। ठीक है, सो करने पड़ेंगे। ठीक है, कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, पर सिंपल से सम्स होते हैं, ऐसे टफ नहीं होते हैं कि कर ना पाए, बहुत सिंपल सम्स होते हैं। देखिए यहाँ पे तो मैंने पहला एक्सरसाइजेस में जो सम बाकी रखे थे मैं वो सब ले लेती हूँ आज। सो पेज 156 एक्सरसाइजेस क्वेश्चन 3। अ सिंपल पेंडुलम टेक्स 32 सेकेंड टू कंप्लीट 20 ऑसिलेशंस, व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम। जो सिंपल पेंडुलम है, देखो एक पेंडुलम है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक पेंडुलम है, ये पेंडुलम। ठीक है, ये जो पेंडुलम है, अ सिंपल पेंडुलम टेक्स 32 सेकेंड्स टू कंप्लीट 20 ऑसिलेशंस। तो एक सिंपल पेंडुलम ऐसे 20 बार ही ऑसिलेशन, ठीक है, एक ऐसे ऑसिलेशन होता है ना, सो 20 ऐसे एक ऑसिलेशन करने में, ऐसे मतलब 20 बार ही ऐसे से ऑसिलेशन करने में 20 सेकेंड लगाता है। तो बोलो टाइम पीरियड क्या हुआ। टाइम पीरियड मतलब पीरियड टाइम टेकन टू कवर वन ऑसिलेशन, एक ऑसिलेशन। मतलब अब देखो यहाँ पे आप क्या करोगे, देखो आपको टाइम पीरियड निकालना है, सारी इंफॉर्मेशन लिख दो, टाइम टेकन फॉर 20 ऑसिलेशंस इज इक्वल टू 32 सेकेंड। ठीक है, 20 ऑसिलेशन के लिए 32 सेकेंड, सो टाइम पीरियड ऑफ वन ऑसिलेशन, सो टाइम पीरियड इज इक्वल टू, मतलब एक ऑसिलेशन के लिए, एक ऑसिलेशन के लिए कितना लेगा, डिवाइड 32 सेकेंड डिवाइड 20, सो 32 को 20 से डिवाइड करेंगे, सो कट शॉर्ट करो अभी 32 को 20 से, ठीक है, 32 को 20 से डिवाइड करें, सो 20 टू में से 0 गए 2, 3 में से 2 गए 1, 0.026 या 120, सो 1.6। ठीक है, सो 1.6 सेकेंड। ठीक है, 20 फिर 3 में से 2 गए 0.026 या 120। ठीक है, सो 1.6 सेकेंड आया टाइम पीरियड आपका। क्वेश्चन 4, बच्चों यहाँ देखो द डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशन इज 240 किलोमीटर। क्वेश्चन 4 है, दो स्टेशन के बीच का डिस्टेंस है 250 किलोमीटर, तो आंसर डिस्टेंस इज इक्वल टू 240 किलोमीटर। और ट्रेन ने कितना टाइम लिया है, ट्रेन टाइम कितना लिया, 4 आवर्स। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन, आपको क्या फाइंड करना है, स्पीड। सो देखो आपको डिस्टेंस क्या दिया हुआ है, डिस्टेंस 240 किलोमीटर, 240 किलोमीटर मतलब दो स्टेशन्स हैं, दो स्टेशन्स हैं, ये एक स्टेशन ये दूसरा स्टेशन, एक स्टेशन पे दूसरे स्टेशन जाते हैं आपको 240 किलोमीटर लगता है। ठीक है, तो ट्रेन ये डिस्टेंस है और टाइम कितना लेती है, 4 आवर्स। ठीक है, तो स्पीड ऑफ द ट्रेन फाइंड करनी है। ठीक है, सो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, फॉर्मूला तो याद है ना, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस क्या है आपका, डिस्टेंस 240 किलोमीटर, डिस्टेंस क्या है 240 किलोमीटर, टाइम क्या है आपका 4 आवर्स। ठीक है, अब कट शॉर्ट करो,
फोर वन जा फोर सिक्स जा 24, जीरो का जीरो, ठीक है, 160 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, स्पीड इज इक्वल टू, ठीक है, स्पीड इज इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम, 240 अपॉन 4, कट शॉर्ट किया तो 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अभी हमने हमारा ये बिल्कुल सिंपल सा सम था, ठीक है, 4 को 60 से किया, नहीं आता तो ऐसे डिवाइड करो, ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन 4 बच्चों, क्वेश्चन 5 थोड़ा समझने जैसा क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, समझोगे तो आपको आएगा कि करना क्या है। देखो, ओडोमीटर ऑफ अ कार, ओडोमीटर क्या होता है, जो आपको डिस्टेंस दिखाता है, तो ओडोमीटर ऑफ अ कार है, सो ओडोमीटर ऑफ अ कार रीड्स 57321.0 किलोमीटर, ठीक है, 57321.0 किलोमीटर दिखा रहा है, सो ये जो ओडोमीटर है ये दिखाता है 57321.0 किलोमीटर, ठीक है। अच्छा, व्हेन द क्लॉक शोज द टाइम 8:30 AM, मतलब आप जब आप ओडोमीटर, मतलब गाड़ी में एक कांटा होता है, कार में कांटा होता है जो दिखाता है आपकी गाड़ी कितने किलोमीटर चली, आपने गाड़ी कितने किलोमीटर चलाई, भाई किसी की 500 किलोमीटर चल जाती है, किसी की 1000, मतलब जब से आप खरीदते हो ना, जब से आप कार खरीदते हो तब से वो गाड़ी डिस्टेंस दिखाती है, ठीक है। सो इस कार में, ये जो कार है, ये कार कितना दिखा रही है, 57321 दिखा रही है, कब दिखा रही है, 8:30 बजे, मतलब समझो 8:30 बजे आप 8:30 बजे घर से निकल रहे थे ना, तो आपने आज, मतलब ऐसा समझो आपने नोट की उस दिन रीडिंग, आपने नोट की कि आज मैं घर से निकल रहा हूँ, देखू मेरी भाई मैं क्या, तो आपने देखा कि गाड़ी का किलोमीटर इतना है और 8:30, आपने टाइम तुरंत अपनी घड़ियाल में देख लिया कि टाइम कितना, 8:30, और इतना किलोमीटर मेरी गाड़ी का डिस्टेंस है, ठीक है। अब क्या हुआ, इफ एट 8:50 AM, अब 8:50 AM मतलब 8:50 पे, ठीक है, तो 8:50 AM पे गाड़ी 57336.0 किलोमीटर, सो 5 गाड़ी कितना चल गई, 57336.0 किलोमीटर चली, मतलब आपने 8:30 से चलाना चालू किया तब गाड़ी इतना किलोमीटर दिखा रही थी, और जब आपने 8:50 पे गाड़ी रोकी, आपने 8:50 पे गाड़ी रोकी तो गाड़ी इतना किलोमीटर दिखा रही थी। जब भी किलोमीटर हो किसी भी वैल्यू के आगे तो वो डिस्टेंस होता है, किलोमीटर हो किसी भी वैल्यू के आगे तो वो डिस्टेंस होता है, किसी भी वैल्यू के आगे अगर आवर हो, मिनट हो, सेकंड हो, तो वो होता है टाइम। ये चीज बहुत अच्छे से अपने आप दिमाग में बिठा लीजिए, किलोमीटर हो तो डिस्टेंस, और आवर हो, मिनट हो, सेकंड हो तो टाइम, क्लियर। सो अब हमें क्या करना है, हमें स्पीड फाइंड करनी है, स्पीड ऑफ द कार इन किलोमीटर पर मिनट, इसने यूनिट भी दिया है, किलोमीटर पर मिनट में फाइंड करनी है। सो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। अभी जब आपने क्वेश्चन में देखा तो आपने देखा दो डिस्टेंस दिए हुए हैं, देखो ये भी डिस्टेंस है और ये भी डिस्टेंस है, ठीक है, और टाइम भी देखो दो दिए हुए हैं, ये भी टाइम है और ये भी टाइम है, ठीक है। सो हमको क्या करना है, सिंपली माइनस कर देना है, ठीक है। सो यहां देखो डिस्टेंस, आंसर डिस्टेंस इज इक्वल टू, बड़ी वैल्यू कौन सी है, बड़ी वैल्यू, सो बड़ी वैल्यू है ये वाली 57336.0 किलोमीटर, तो 57336.0 किलोमीटर माइनस 57321.0 किलोमीटर माइनस 57321.0 किलोमीटर, ठीक है। सो अब यहां देखो किलोमीटर किलोमीटर, देखो पॉइंट जीरो है, सो ये पॉइंट माइनस, तो जीरो में से सिक्स में से बन गए पाई,
थ्री में से टू के वन, थ्री में से थ्री के जीरो, सेवन में से सेवन के जीरो, फाइव में से फाइव के जीरो. सो कितना आया ये? 15 किलोमीटर आया. कितना आया? 15 किलोमीटर. ठीक है, सो डिस्टेंस क्या होगा आपका? 15 किलोमीटर. ठीक है, 15 किलोमीटर आपका डिस्टेंस होगा. ठीक है, ये 15 किलोमीटर आपका डिस्टेंस आया. अच्छा, अब टाइम देखो. टाइम, टाइम में भी माइनस ही करोगे. देखो आपका टाइम क्या है? टाइम, टाइम 8:50 माइनस 8:30, तो कितना हुआ? 0 आवर 20 मिनट. मतलब कितना हुआ? 0 आवर 20 मिनट्स. ठीक है, सो टाइम कितना होगा? टाइम इज इक्वल टू 20 मिनट्स. ठीक है. अच्छा, अब आपके पास डिस्टेंस आ गया, ये रहा. आपके पास टाइम आ गया, ये रहा. अब लगा दो आपकी फॉर्मूला. क्या थी फॉर्मूला? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. फॉर्मूला लगाओ. सो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. ठीक है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस है 15, टाइम क्या है? 20. ठीक है, टाइम 20 है. सो कैसे करेंगे? कट शॉर्ट करो फटाफट. कट शॉर्ट कैसे करेंगे? सो 5 3 15, 5 4 20. ठीक है, सो 3/4 आंसर. 5 3 15, 5 4 20, 3/4. तो 3/4, 15 क्या है? किलोमीटर है. टाइम क्या है? मिनट्स. किलोमीटर पर मिनट्स. ठीक है, सो स्पीड क्या आई? ये आई. ठीक है. अच्छा, अब क्या बोल रहा है? इसको किलोमीटर पर आवर में भी फाइंड करो. तो देखो आपका आंसर किस में आया है? किलोमीटर पर मिनट में. अच्छा, आपको पता है मिनट को आवर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है? कभी भी अगर मिनट को आवर में करना पड़े, सो वन मिनट इज इक्वल टू 1/60 आवर होता है. आपको पता है ना एक घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60. तो एक मिनट में कितना होगा? 1/60 आवर. ठीक है, सो अभी आप कन्वर्ट करो, क्योंकि आपको मिनट को किस में कन्वर्ट करना है? आवर में. मिनट को किस में कन्वर्ट करना है? आवर में. ठीक है, सो स्पीड इज इक्वल टू 3/4. मिनट है ना, तो मिनट को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 1/60 से. सो 1/60. ठीक है, क्या किया आपने? अपॉन में मिनट था ना, अपॉन में. सो आपने अपॉन में 1/60 किया. ठीक है, सो 60 ऊपर जाएगा सीधा. 3/4, 60 कहाँ जाएगा? ऊपर. कैसे? तो देखो a/b/c हो, ऐसे हो ना, तो c ऑटोमेटिक ऊपर चला जाता है. ठीक है, ये आपने मैथ्स में पढ़ा था, फ्रैक्शंस में पढ़ा था ऐसा कुछ. ठीक है, सो 60 ऊपर आ जाएगा. कट शॉर्ट करो. 4 1 जा 4 1 जा 4, 2 4 5 जा 20, 3 × 15 तो 45 किलोमीटर पर आवर. स्पीड इज इक्वल टू 45 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, आप ध्यान से देख लो. ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था कि भाई ये ऐसा है, तो भले मैं ये रफ कर देती हूँ, आपको कंफ्यूजन हो रहा हो तो ये क्या किया है मैंने. ठीक है, मैं ये रफ करती हूँ. ये मैंने आपको एक फिगर बना के दिखाई थी, भाई ऐसे होता है. ठीक है, देखो सम में कैसे करना है, मैं फिर से दिखा देती हूँ. पहले डिस्टेंस है, माइनस करो. आंसर आया तो 15.0 किलोमीटर, मतलब 15.0 का मतलब 15 किलोमीटर हुआ. इसके बाद टाइम था, तो 8:50 में से 8:30 है, तो 0/20 मिनट्स, मतलब 20 मिनट्स ही हुए. ठीक है, सो ये मेरे 20 मिनट्स. ठीक है, फिर आपने क्या किया? फॉर्मूला लगाई. स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. डिस्टेंस है 15, टाइम है 20. ठीक है, सो 5 3 जा 5 4 जा 3/4 किलोमीटर पर मिनट. ठीक है, सो अभी देखो 1 मिनट में 1/60 आवर होता है. ठीक है, 1 मिनट में 1/60 आवर होता है. सो स्पीड का स्पीड अभी अब क्या करोगे? यहाँ 4 को किससे मल्टीप्लाई करोगे? 1/60 से. स्पीड को 1/60 से करोगे तो 60 सीधा जाएगा ऊपर. 60 ऊपर जाएगा,
सो यहाँ 4 1 4 5 20, ठीक है, सो 3 15 45 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, सो ये आपका फाइनल आंसर हुआ, ठीक है। सो किस तरह से आपको फाइनल आंसर मिला, ये तो आपको बहुत इजी रहा होगा, खाली यहाँ देखो आपको समझना पड़ेगा कि आपने क्या किया, यहाँ आपका ये जो आंसर किलोमीटर पर मिनट्स था, मिनट वाले को आपने अवर में कन्वर्ट किया वाला 0.60 से, ठीक है। सो यहाँ आपने इसको क्या बना दिया, किलोमीटर पर अवर बना दिया, ठीक है, मिनट था इसको अवर बना दिया, ठीक है। सो ये आपका किलोमीटर पर अवर में आंसर है, ठीक है। सो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। बच्चों अब यहाँ देखो क्वेश्चन 6, सलमा टेक्स 15 मिनट्स, 15 मिनट्स सलमा को लगते हैं, मतलब आंसर मैं लिखती जाती हूँ क्या क्या दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, टाइम कितना दिया हुआ है 15 मिनट्स, सलमा को 15 मिनट्स क्या करने में लगते हैं, फ्रॉम हर हाउस, अपने घर से, हाउस से टू रीच हर स्कूल, हाउस से स्कूल जाती है सलमा बाईसाइकिल पे जाती, बाईसाइकिल मतलब साइकिल पे जाती है, बाईसाइकिल पे जाते टाइम उसकी स्पीड क्या होती है, 2 मीटर पर सेकेंड, सलमा की स्पीड क्या होती है 2 मीटर पर सेकेंड, क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। स्पीड ऑफ, कैलकुलेट द डिस्टेंस, कैलकुलेट मतलब निकालो, क्या निकालना है, डिस्टेंस, कि इसके घर से इसका स्कूल कितनी दूरी पे है, डिस्टेंस, ठीक है। सो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला लिखवाए थे ना, डिस्टेंस का फॉर्मूला भी लिखाया था, क्या लिखाया था देखो आगे पन्ने पलटा के देखो, डिस्टेंस का फॉर्मूला था स्पीड इनटू टाइम, ठीक है, स्पीड इनटू टाइम था, ठीक है। सो यहाँ मिनट्स को किसमें कन्वर्ट करोगे, सेकेंड्स में, 15 मिनट्स है, मिनट्स को किसमें कन्वर्ट कर दोगे, सेकेंड्स में। सो जब भी क्यों कन्वर्जन करना है, आप कहोगे मैडम कि क्यों मिनट्स में, मिनट्स को सेकंड में क्यों करना है, तो रीजन है यहाँ पे स्पीड मीटर पर सेकंड में है, स्पीड किस में है, मीटर पर सेकंड, ये देखो यहाँ टाइम सेकंड में है, यहाँ टाइम मिनट में है, नहीं चलेगा, या तो दोनों साइड मिनट में हो या दोनों साइड सेकेंड में हो, ठीक है, एक सरखा होना चाहिए। मैं कह रही हूँ कि भाई मेरे को यहाँ से यहाँ जाने में 2 मिनट्स लगे, फिर मैं बोलूँ मेरे को तो यहाँ से यहाँ जाने में 30 सेकेंड्स लगे, ऐसे थोड़ी, दो चीजें थोड़ी हो सकती है, तो मिनट हो सकता है या तो सेकेंड। सो यहाँ देखो ये मीटर पर सेकेंड है, ये ओनली मिनट्स है, तो आप क्या करो मिनट्स को किस में कन्वर्ट कर दो, सेकेंड्स में, मिनट को जब भी सेकेंड में कन्वर्ट करना हो तो आपने मैथ्स में पढ़ा है 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड, ठीक है। सो 60 से सिंपली मल्टीप्लाई कर दो, सो इज इक्वल टू 15 इंटू 60 इज इक्वल टू 15 6 6 5 30 6 6 7 8 9, ठीक है। सो 15 6 6 5 30 6 6 7 8 9 900 सेकेंड्स, ये हमने किसमें कन्वर्ट कर दिया, सेकेंड्स में, ठीक है। 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स होता है, सो 15 6 6 5 30 सो 900 सेकेंड्स, 6 5 6 7 8 9, सो 900 सेकेंड्स हुआ, ठीक है। सो स्पीड क्या है 2, टाइम क्या है, टाइम है 900 सेकेंड्स, 900 सेकेंड्स, 2 × 9 क्या होगा 1800, ठीक है। सो 1800 सेकेंड्स, ठीक है। सो 1800 सेकेंड्स में, सॉरी 1800 डिस्टेंस किस में है, डिस्टेंस किस में होता है, मीटर में, ठीक है, मीटर 1800 मीटर लगेगा, ठीक है, डिस्टेंस इज इक्वल टू 1800 मीटर। जिसको नहीं पता लग रहा है मैं फिर से बता दूं, डिस्टेंस मतलब कितनी दूरी है, तो डिस्टेंस क्या, डिस्टेंस किस किस में होगा, डिस्टेंस होगा किलोमीटर में, मीटर में। मेरा स्कूल मेरे घर से 5 किलोमीटर दूर है, मैं मेरे पड़ोसी से
100 मीटर की दूरी पे रहती हूँ, ठीक है। किलोमीटर मीटर दोनों डिस्टेंस बताने में काम आते हैं, ठीक है। डिस्टेंस या तो किलोमीटर में होता है या तो मीटर में होता है। फिर टाइम, टाइम आवर में होता है, मिनट में होता है, सेकंड में होता है, ठीक है, टाइम। इसके बाद स्पीड, स्पीड किसमें होती है, किलोमीटर पर आवर में, मीटर पर सेकंड में, ठीक है। सो डिस्टेंस किलोमीटर मीटर में होता है, टाइम आवर मिनट सेकंड में होता है, स्पीड किलोमीटर पर आवर मीटर पर सेकंड, ठीक है। डिस्टेंस होता है किलोमीटर मीटर में, टाइम होता है आवर मिनट सेकंड में, स्पीड होता है किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकंड, ठीक है। सो इस तरह से आपको फाइंड करना पड़ता है। ये खास यूनिट्स का ध्यान रखना, ठीक है। ये सारी चीजें अभी थोड़ा सा ध्यान रखोगे कि कैसे हो रही हैं, फ्यूचर में आपके लिए ही अच्छा है, ठीक है। मे भी आपको चीजें पहली बारी में ना समझ आ रही हूँ, मैं समझा रही हूँ शायद तो भी ना आ रही हूँ, तो आप वीडियो को 2-3 बारी देख लो, रिवाइंड करके देखो प्लीज, देख लो और अपने जो कन्फ्यूजन है उन्हें क्लियर करो। मैं कोशिश कर रही हूँ सब क्लियरली बोलने की, प्लीज क्लियर कर लेना क्योंकि आगे काम आने वाला है आपको सब कुछ। बच्चों अभी क्वेश्चन 7 है, शो द शेप ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ। कह रहा है डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाओगे तो उसकी शेप क्या बनेगी। दो सिचुएशंस हैं, फर्स्ट सिचुएशन क्या है, फर्स्ट सिचुएशन है अ कार मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड। तो ग्राफ कौन सा बनाना है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ठीक है। सो ये जो आपका एक्स एक्सिस डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपको बनाना है, सो जो आपका यहाँ डिस्टेंस आएगा और यहाँ आएगा आपका टाइम, ठीक है। ये डिस्टेंस है और ये है आपका टाइम, ठीक है। सो क्या हो रहा है, कार कैसे चल रही है, कांस्टेंट स्पीड से, मतलब सेम स्पीड से चल रही है। सो मैंने आपको बोला था कांस्टेंट हो तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है, कांस्टेंट हो तो कैसा ग्राफ बनता है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ ऐसा, ठीक है। कांस्टेंट हो तो ऐसा बनता है स्ट्रेट लाइन ग्राफ, ठीक है। कभी भी कांस्टेंट वर्ड हो ना, कांस्टेंट स्पीड बोला है तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ, ठीक है। अब सेकंड क्या बोल रहा है कि कार पार्क की हुई है साइड रोड पे। कार कहाँ पार्क की हुई है, साइड रोड पे पार्क की है, साइड में खड़ी है, खड़ी कार है, पार्क्ड रोड मतलब पार्किंग की हुई है कार की, पार्किंग की, तो पार्क की हुई है तो चल थोड़ी नहीं रही होगी जो उसकी स्पीड बताए। पार्क की हुई कार की थोड़ी कोई स्पीड होती है। सो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, फिर से डिस्टेंस टाइम, ठीक है, डिस्टेंस टाइम, ठीक है। सो कैसे बनाओगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ, सो यहां बनाओगे एक आप स्ट्रेट लाइन बना दोगे, ठीक है, क्योंकि पार्क है, कार पार्क है, कार हिली नहीं रही है, उसकी स्पीड कैसे। सो टाइम देखो, डिस्टेंस वही रहेगा, समझो कार यहाँ पे 4 किलोमीटर पे खड़ी है तो यहाँ पे भी 4 किलोमीटर होगा, यहाँ पे भी जहाँ पे भी 4 किलोमीटर उसी लाइन में होगा। टाइम भले बढ़ता जाए, टाइम 2 सेकंड, 4 सेकंड, 6 सेकंड कुछ भी हो, डिस्टेंस यही, ठीक है। सो कांस्टेंट स्पीड से जा रही है तो ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा, और अगर कार पार्क है, खड़ी हुई रुकी हुई कार है, रेस्ट पे है कार, तो ऐसा होगा, ठीक है, ये वाला ग्राफ होगा, ठीक है। सो इसने क्वेश्चन में यही पूछा था, ग्राफ की शेप बताओ। बच्चों क्वेश्चन 10th एमसीक्यू है, पर एमसीक्यू है तो भी मतलब जैसे बड़े सम में सोचना पड़ता है वैसे आपको सोचना पड़ेगा क्वेश्चन पढ़ते टाइम। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन 10 में अ कार मूव्स विद अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर फॉर 15 मिनट्स। मैं इंफॉर्मेशन लिख देती हूँ आंसर, कार क्या कर रही है, मूव्स विद अ स्पीड, कार मूव कर रही है स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, कार 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है फॉर 15 मिनट्स। टाइम कितना है, टाइम है 15 मिनट्स,
ठीक है। इसके बाद एंड देन विद द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, फिर स्पीड कितनी है 60 किलोमीटर पर आवर फॉर द नेक्स्ट 15 मिनट्स, फिर दूसरा टाइम है नेक्स्ट 15 मिनट्स, ठीक है। सो टोटल डिस्टेंस फाइंड करना है, मतलब यहाँ पे भी डिस्टेंस फाइंड करोगे और यहाँ पे भी डिस्टेंस फाइंड करोगे, फिर दोनों का प्लस कर दोगे, क्योंकि दो कंडीशंस हैं। कह रहा है कार 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 15 मिनट्स चली है और 16 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 15 मिनट्स चली है, तो डिस्टेंस टोटल फाइंड करना है, तो टोटल का मतलब दोनों का प्लस कर दोगे, ठीक है। तो पहले दोनों को फाइंड करो। अच्छा, फाइंड करने में मुझे एक थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, क्या देखो यहाँ पीछे आवर है पर आवर और ये मिनट्स है, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया है, हमें यूनिट्स सेम करनी पड़ती है। सो अगर ये मिनट्स है तो मुझे इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, आवर में। सो जब भी मिनट्स को आवर में कन्वर्ट करना है, सो 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स, ठीक है। सो मिनट्स को आवर में करना है तो 1 मिनट में कितने आवर्स होंगे, 1/60, ठीक है। सो पहले ये लिख लेती हूँ मैं, इसको ठीक कर दूं। Therefore time is equal to 15/60 hour, ठीक है, या तो 15 × 1/60 hour, ठीक है। कभी भी मिनट्स को आवर में कन्वर्ट करना हो तो 1/60, ठीक है। सो कट शॉर्ट करो, 15 × 1 = 15, 4 = 60, सो 1/4 hour, ये आपका टाइम आया, ठीक है। फिर यहाँ देखो सेम, यहाँ पे भी टाइम 15 मिनट्स है, तो देखो ऐसा ही सेम टू सेम मेथड होगा, टाइम इज इक्वल टू 15 × 1/60 hour, ठीक है, 15 × 1 = 15, 4 = सो इज इक्वल टू 1/4 hour, ठीक है। अच्छा अब क्या करोगे, अब फॉर्मूला लगाओ डिस्टेंस की, दोनों में डिस्टेंस फाइंड करना है ना, तो यहाँ डिस्टेंस फाइंड करना है आपको और यहाँ भी डिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है। तो डिस्टेंस की फॉर्मूला क्या है आपकी, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, फॉर्मूला याद है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड क्या है आपकी 40 किलोमीटर पर आवर, टाइम क्या है 1/4, ठीक है। सो कट शॉर्ट करो, 4 × 1 = 4, 10 = सो 10 किलोमीटर, ठीक है, डिस्टेंस क्या आया 10 किलोमीटर, अच्छा सेम यहाँ पे फिर से डिस्टेंस की फॉर्मूला लगाओ, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, स्पीड क्या है 60, टाइम क्या है 1/4, ठीक है। कट शॉर्ट करो, 4 × 1 = 4, 2 × 4 = 20, सो डिस्टेंस क्या आएगा 15 किलोमीटर, अभी टोटल डिस्टेंस क्या करेंगे दोनों का प्लस, सो टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू 10 किलोमीटर + 15 किलोमीटर, तो कितना आया 10 + 15 = 25 किलोमीटर आंसर, ठीक है। सो ये इसका आंसर है 25 किलोमीटर, ठीक है, था एमसीक्यू पर एक पूरा का पूरा सम था, ठीक है, बहुत ही समझना था कि भाई मिनट से उसको आवर में कन्वर्ट करो, फिर डिस्टेंस की फॉर्मूला लगाओ आंसर, फिर यहाँ पे भी मिनट्स को आवर में कन्वर्ट करो, फिर से डिस्टेंस की फॉर्मूला लगाओ आंसर, दोनों को प्लस करो, ठीक है, टोटल डिस्टेंस फाइंड करो। ये ऐसे ऐसे सम्स हैं, 2-3 बार आपको वीडियो रिवाइंड करके देखना ही पड़ेगा तो ही समझ आएंगे, ठीक है। अभी हम करते हैं आगे,
बच्चों अभी यहाँ देखो क्वेश्चन 12 हमारे लास्ट के दो क्वेश्चंस इस एक्सरसाइज के, सो हमारा चैप्टर होगा यहाँ पूरा। क्वेश्चन 11 जो है वो मोस्टली टीचर्स कट करा देती हैं, आप कैंसिल ही कर दो, वो आपको कैंसिल कर देना, ठीक है? क्वेश्चन 11 कैंसिल कर दें। क्वेश्चन 12 देखें, फिगर 13.15 शोज, ये वाली फिगर, ठीक है? ये फिगर, फिगर शोज द डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर द मोशन ऑफ टू व्हीकल्स। दो व्हीकल्स चल रहे हैं, ये ए और बी व्हीकल चल रहा है। विच वॉक वन ऑफ देम इज फास्टर, इसमें से ए ज्यादा फास्ट चल रहा है कि बी ज्यादा फास्ट चल रहा है? ये दो ये ग्राफ को देख के बताओ कि व्हीकल ए ज्यादा फास्ट है कि व्हीकल बी ज्यादा फास्ट है। ग्राफ को देख के आपको पता करना है। कैसे पता करेंगे? सिंपल, जिसने ज्यादा डिस्टेंस कवर किया है वो ज्यादा जल्दी तेजी से चला होगा। सो डिस्टेंस देखो किसका ज्यादा ऊंचा है, सो यहाँ देखो इसका ज्यादा ऊंचा डिस्टेंस है देखो, और इसका है कम, ठीक है? सो कौन ज्यादा तेजी से चला होगा? ए वाला। क्यों? क्योंकि उसने ज्यादा डिस्टेंस कवर किया, वो ज्यादा दूरी तक गया है, तो ऑब्वियसली जो ज्यादा दूर गया है उसने ज्यादा तेज चलाई होगी, ठीक है? सो कार ए इज मूविंग फास्टर, आंसर व्हीकल ए इज मूविंग फास्टर, ठीक है? क्वेश्चन कितना सारा है और आंसर देखो कितना है, ठीक है? इतना सा आंसर। अब यहां देखो थर्टींथ नंबर एक एमसीक्यू जैसा है, एमसीक्यू है, ये थर्टींथ नंबर इज एन एमसीक्यू। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्टेंस टाइम ग्राफ शोज अ ट्रक मूविंग विद स्पीड विच इज नॉट कॉन्स्टेंट। कह रहे हैं चार ग्राफ है और चारों ग्राफ में ट्रक चल रही है, तो ट्रक बताओ नॉट कॉन्स्टेंट, जब ट्रक नॉट कॉन्स्टेंट स्पीड से, नॉट कॉन्स्टेंट, सो देखो नॉट कॉन्स्टेंट कौन सा होगा? तो कॉन्स्टेंट क्या होता है? जब एक सरखा पूरा जाता है वो कॉन्स्टेंट होता है। जैसे ये जा रहा है एक सरखा, ये कॉन्स्टेंट है, ठीक है? ये देखो एक सरखा लाइन जा रही है, ये एक सर की लाइन जा रही है, ये कॉन्स्टेंट है, ये एक सर की लाइन जा रही है, ये कॉन्स्टेंट है। अब नॉट कॉन्स्टेंट मतलब देखो इसकी कोई फिगर ही फिक्स नहीं है, ठीक है? देखो इसकी कोई फिगर ही फिक्स नहीं है, तो ये क्या हुआ? नॉट कॉन्स्टेंट, ठीक है? सो आंसर का क्या होगा? आंसर 3, ठीक है? सो 3। तो भाई कौन सी ट्रक नॉट कॉन्स्टेंट है? तो थर्ड वाली, बाकी सारे देखो कॉन्स्टेंट है, सबकी स्ट्रेट लाइनें बनी है, तो सारी कॉन्स्टेंट है और इसकी नहीं है, ठीक है? सो विद दिस वी कंप्लीटेड दिस चैप्टर ऑफ अर्थ मोशन एंड टाइम। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर था, बट मैंने जितना हो सके आपको शॉर्ट में और अच्छे से कराने का आई ट्राइड माय बेस्ट। आप क्या कर सकते हो ये चैप्टर करने के लिए? आप कुछ मत करो, ये जो वीडियोस आए थे ट्यूशन से इस चैप्टर के वो घड़ी घड़ी देखो, ऑटोमेटिक आपको चैप्टर याद हो जाएगा, ठीक है? इवन एग्जाम्स का भी टाइम हो, जो हम प्रीवियस वीडियोस आए हैं ट्यूशन से आपको देख के आप अपनी जो एग्जाम की तैयारी भी कर सकते हैं, ठीक है? सो विद दिस आई एम स्टॉपिंग हेयर, आई एम कंप्लीटिंग माय लेक्चर हेयर। सो प्लीज डू ईच एंड एवरीथिंग विद परफेक्ट कॉन्सेंट्रेशन एंड सेंड इट टू मी ऑन व्हाट्सएप। चलें, थैंक यू।